आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा लेसन क्लास 10 का, नाम है पॉलीनोमियल। जैसा कि यहां पर नाम दिया गया है पॉलीनोमियल, पॉली पॉली मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म मौजूद हो, तो इसलिए इसे पॉलीनोमियल बोला गया है। इसका डिफिनीशन क्या है? इसका डिफिनीशन यह है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन, वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए पॉलीनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। ध्यान दें, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ये पॉलीनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन, क्योंकि हर जगह यहाँ पर जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है वो वेरिएबल क्या है, एक्स है। इसलिए पूरे पॉलीनोमियल को हम बोलते हैं पॉलीनोमियल इन एक्स, क्योंकि वेरिएबल एक्स है। ऑफ डिग्री एन, एन का मतलब हुआ जैसे ए नॉट पर जो पावर हम लोग देखते हैं कोई वेरिएबल तो है नहीं, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्स पर पावर जीरो है, एक्स इस पर पावर वन है, एक्स इस पर पावर टू है। तो क्योंकि सबसे बड़ा पावर इसमें एन लिया गया है, तो इसलिए सबसे बड़े पावर को ही यहाँ पर डिग्री के रूप में लिखा जाता है। एक चीज और, यहाँ पर जो ए नॉट ए वन ए टू ये सारे जो नंबर्स हैं वो हर हालत में रियल नंबर्स होने चाहिए, कभी भी ये नॉन रियल नंबर नहीं हो सकते हैं। जैसे आप कभी भी रूट टू, अंडर रूट, रूट थ्री, ये सारे नंबर्स इनके जगह पर आप नहीं ले सकते हो। इसके अलावा जो एक्स का पावर यहाँ पर आएगा वो हमेशा एक नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्स पर पावर दो तो ले सकते हो, लेकिन आप एक्स पर पावर वन बाई टू नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये जो पावर है वो इंटीजर नहीं बल्कि क्या है, फ्रैक्शन है। इसी तरीका से आप एक्स पर पावर माइनस टू भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये जो माइनस टू है ये एक निगेटिव नंबर आ जाता है। तो ध्यान रहे, एक्स का जो भी पावर होना चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए, यानी ना तो यहाँ पे फ्रैक्शन हो सकता है, ना ही पावर के रूप में डेसिमल हो सकता है। पावर जब भी होगा तो क्या होगा, इंटीजर ही होगा, और यह इंटीजर कभी भी निगेटिव में होना नहीं चाहिए। हम लोग पावर एक्स पर पावर 0.5 भी नहीं लिख सकते हैं, एक्स पर पावर माइनस थ्री भी नहीं लिख सकते हैं, एक्स पर पावर रूट टू भी नहीं लिख सकते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल बिल्कुल गलत हैं। तो हम लोग अब पॉलीनोमियल का डिफिनीशन देखने के बाद इसमें कुछ चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। पहला बात ये है कि पॉलीनोमियल में एक टर्म नहीं आएंगे बल्कि बहुत सारे टर्म आएंगे, यानी एक से ज़्यादा टर्म आएंगे, और हर एक टर्म चाहे तो प्लस या माइनस कोई भी साइन से अलग होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, हर एक पॉलीनोमियल का जो एक टर्म ये होता है उसमें एक वेरिएबल होता है, हम लोग वेरिएबल को एक्स वाई जेड कुछ भी बोल सकते हैं, और उस वेरिएबल के आगे एक नंबर होता है, ठीक है। अब देखो, देखना यही है कि ऐसा हो सकता है कि एक पॉलीनोमियल में बहुत सारे टर्म आए, दो आए, तीन आए, चार आए, है ना। तो हर एक टर्म में देखना यह होता है कि वेरिएबल के आगे जो नंबर आया हुआ है, तो वेरिएबल के आगे जो भी नंबर आया हुआ है वो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर क्या होता है, जैसे जितना भी नंबर अभी तक जानते हो, चाहे वो दो हो या एक बटा दो हो या रूट टू हो या माइनस 0.3 हो या माइनस रूट टू हो या माइनस 1/2 हो या माइनस टू हो, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि अंडर रूट माइनस थ्री, तो ये रियल नंबर नहीं है, यानी कि एक जगह पर कभी भी इस तरह के नंबर नहीं आने चाहिए। तो पहला बात ये हो गया। इसके बाद दूसरा बात, यहाँ पर जो एक्स देखा जा रहा है,
एक्स पर ये जो पावर है ना, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जैसे इंटीजर को हम लोग बांटते हैं, जैसे ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, टू हो गया, ये थ्री हो गया, तो हमें हमेशा ये पॉजिटिव इंटीजर ये वाला वैल्यू ही लेना है, ये वैल्यू नहीं लेना है। इंटीजर यानी पूरा पूरा नंबर है ना। जैसे तुम वन बाई टू नहीं ले सकते हो, क्यों, फ्रैक्शन है इसलिए। और इसी तरह से रूट थ्री नहीं ले सकते हो, है ना। तो यहाँ जब भी लेना है तो वन टू थ्री ये सब ठीक है। और हम लोग इसी पावर को बोलते हैं डिग्री, समझे, इसी पावर को हम लोग डिग्री ऑफ दिस टर्म बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे अगर तीन अलग अलग टर्म है तो हर एक में x का पावर अलग अलग होगा, इसलिए हर एक में x का डिग्री भी अलग अलग होगा, ठीक है। अब देखो इसके आधार पर हम कुछ यहाँ पर उदाहरण ले